नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेन्स एंड ट्रैवल फ्रीक के एक और नए एपिसोड में। कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन के चलते देश भर में रेल सेवा पे काफी इफेक्ट हुआ है और उसी के साथ साथ मेट्रो सिटीज में चलने वाले मेट्रो ट्रेन्स पूरी तरीके से बंद पड़े हैं और आज के डेट में देखा जाए तो मेट्रो ट्रेन्स किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। देश भर में देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो पूरे इंडिया में मेट्रो ट्रेन्स का सबसे बड़ा और बिजी नेटवर्क है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लॉकडाउन के चलते दिल्ली मेट्रो को इन 4 महीनों में कितना नुकसान उठाना पड़ा और दिल्ली मेट्रो या DMRC जो कि दिल्ली मेट्रो की गवर्निंग बॉडी है, वो आगे चल के फ्यूचर्स में किस प्रकार के कदम उठा सकती है जिसके कारण वो इस लॉस से उभर पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी विलंब के। दिल्ली मेट्रो में टोटल 8 लाइन्स हैं जिसमें एक दिन में देखा जाए तो लगभग 500 से 600 ट्रेन्स 5000 ट्रिप्स रोजाना पूरा करती हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक हर रोज 18 से 20 लाख यात्री इसमें ट्रैवल करते हैं। अगर हम कहें तो ये दिल्ली की लाइफलाइन है, जिस प्रकार मुंबई की लाइफलाइन वहां की लोकल ट्रेन से, उसी तरीके से दिल्ली की लाइफलाइन उसकी मेट्रो ट्रेन है। दिल्ली मेट्रो का मेन सोर्स ऑफ इनकम यात्रियों से लिया जाने वाला किराया है और तो और दिल्ली मेट्रो को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी काफ़ी इनकम होता है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करें तो DMRC को यात्रियों के लिए गए किराए और एडवर्टीजमेंट के थ्रू रोजाना 10 से 15 करोड़ रुपयों का प्रॉफिट होता है और अब 4 महीने से बंद पड़े दिल्ली मेट्रो को करीबन 1000 करोड़ का लॉस हो चुका है इन 4 महीनों के दौरान। 1000 करोड़ के लॉस में चल रही दिल्ली मेट्रो या उसकी गवर्निंग बॉडी DMRC आगे चल के क्या क्या कदम उठा सकती है इस लॉस से उभरने के लिए, वो कदम हैं ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी, एडवर्टीजमेंट टैक्स में काफ़ी हाइक या फिर यात्रियों से लिए जाने वाले किराए में भी हाइक। देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो जल्द से जल्द अपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करेगी जिसके कारण वो जल्द से जल्द ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी दिल्ली मेट्रो के लॉस से रिलेटेड मिली होगी कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।